हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे और हैप्पी सावन। जैसे सावन में चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली दिखती है, उसी तरह से आप सभी के जीवन में चारों तरफ हरियाली हरियाली हो और बहुत अच्छा बीते सावन का महीना आप सभी का भी। नीचे बैठ के पी लो ना, गिर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं मंदिर। सावन का पहला सोमवार है तो हम लोग सोचे कि आज पहले सोमवार को चलते हैं, शिव जी को जल चढ़ा के आ जाएंगे। और हम लोग इसीलिए तैयार हो गए हैं जाने के लिए। अच्छा भी रुपेश, मैं भी तैयार हो गई हूँ, ये देखिए। और वो देखिए रुपेश और छवि बैठे हुए हैं वहाँ पे। जाओ छवि, हाय बोलो। हाय। क्या मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए मैं भी तैयार हो गई हूँ और अब हम जा रहे हैं मंदिर। और मैं मंदिर से आऊंगी तो कंटिन्यू करूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं और हस्बैंड तैयार हो रहे हैं तो मुझे ही देख रहे हैं। अब बच्चों को, छवि को देखिए, छवि बहुत खुश है कि आज जाएंगे मंदिर दर्शन करने। वो कपड़ा पहन लिए ना तो बोल रही है कि मैं कहीं बैठूंगी नहीं, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। मैं नीचे नहीं बैठूंगी, मैं ऊपर ही बैठूंगी। वो आज फर्श पे नहीं बैठ रही है, वो सिर्फ देखिए वो वहाँ बैठ, वो चाय जब वहाँ लेके बैठती है तो पक्का वो चाय गिरा देती है, इसलिए मुझे डर लगता है कि वो वहाँ चाय ना पिए, कहीं पर भी चाय पी ले। और आज मैंने ये गद्दा जो था बिस्तर का, जो आगे वाले रूम में जो मैंने बिस्तर लगाया है, उसका गद्दा छत पे सूखने के लिए डाल दिया है। बहुत दिन से डाला नहीं था तो आज डाल दी हूँ कि वो सूख जाएगा अच्छे से। तो अब हम चलते हैं मंदिर। हम मंदिर जा रहे थे, बस हस्बैंड हरे कलर का ड्रेस नहीं पहने थे, है उनके पास पर वो ये टी शर्ट पहन के जा रहे थे। ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना था, बस पास ही में है मंदिर। हमारे यहाँ के कस्बे से थोड़ी दूर पे गांव है, तो वो गांव के डीह बाबा हैं। हमारे एरिया जो है वहाँ की भी सारी लेडीज़ वहीं जाती हैं पूजा करने, वहाँ पे डीह बाबा के भी हो जाता है, शंकर भगवान भी हैं, तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो साड़ी है वो पूरी ग्रीन है, पर कैमरे में लग रहा है फोकस की वजह से ये थोड़ी आसमानी दिख रही है, पर ये पूरी साड़ी ग्रीन है। मैं गेट को लॉक करके मंदिर जा रही हूँ। चलो ना, हम पकड़ लेंगे उसको, तुम बैठो हमको दे। फ्रेंड्स, ये देखिए रुपेश हमसे पहले पहुंच गया मंदिर। वो साइकिल से गया था पर वो हमसे जल्दी पहुंच गया था, हमसे पहले निकला भी था वो। और ये है हमारे गांव का मंदिर, जो डीह बाबा शंकर जी और बजरंगबली का मंदिर है वो ये है। और आइए अब मैं आप सभी को दर्शन करा देती हूँ भोले बाबा का। यहाँ पर कई मंदिर है पर मैं एक गाँव के मंदिर में आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पर इस साल पूजा कर लेती हूँ। और आइए मैं आप सभी को हनुमान जी का दर्शन करा देती हूँ। ये जो हनुमान जी हैं, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। जल्दी इनका मंदिर कहीं हमें मिलता नहीं है यहाँ पर, ये इनके पांच मुख वाले मंदिर जो है स्थापित हुई है। और ये सारी लेडीज़ पूजा कर लेंगी, फिर मैं जाऊँगी। मैं इसीलिए उनके पीछे वेट कर रही थी कि वो पूजा कर लें, फिर उसके बाद में जब खाली हो जाएगा मंदिर थोड़ा, तब मैं जाऊँगी। हम विश्वनाथ जी नहीं गए क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है सावन के महीने में, और कांवरिया भी लेके काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पर। इस वजह से मैं यहाँ पे एकांत में आप अच्छे से पूजा कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। भीड़ से अच्छा तो एकांत का ही किसी भी शिवलिंग पे आप पूजा कर लीजिए, वो सबसे अच्छा होता है। मन लगा के वहाँ आप पूजा कर सकते हैं, वरना भीड़ भड़क्के में जाइए तो आप सिर्फ आपका जो दिमाग होगा वो भीड़ में ही रह जाएगा। मंदिर में पूजा में कम लगेगा, भीड़ में ज़्यादा आपका दिमाग लगा रहेगा। और अगर आप किसी भी मंदिर में, एकांत मंदिर में जाते हैं, तो पूरी श्रद्धा के साथ अच्छी तरीके से आप पूजा कर लेंगे। और हम सभी ने पूजा कर लिया, मैंने हस्बैंड के साथ कर लिया, फिर बच्चों ने कर लिया, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर जाके। वहाँ पे बहुत ही शांति था, हरियाली था, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा था। और जस्ट उनके सामने ये नंदी बाबा थे, उनका भी हमने पूजा कर लिया। और अब हम हनुमान जी का भी आशीर्वाद ले लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम पूजा कर रहे हैं और
अभी यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए मैंने मास्क को हटा दिया है। और मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने भोले बाबा का पूजा किया, फिर नंदी महाराज का, फिर मैंने हनुमान जी किया। और ये देखिए डी बाबा हैं, अभी हस्बैंड गए हैं जल लेने, अभी डी बाबा को भी जल चढ़ाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये शनिदेव हैं, ये देखिए बहुत बड़ा पेड़ है, ये देखिए। अब बहुत शांति लग रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के, अच्छा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ गए हैं वो पानी लेने कहाँ पर गए हैं। जी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गए हुए हैं पानी लेने के लिए। देखिए ये पेड़ के बीच में दिख नहीं रहा, अभी पानी लेंगे तो दिखेंगे। दिखाती हूँ मैं अभी एक मिनट आपको, ये जो लेडीज़ खड़ी हैं वही पानी दे रही हैं। जूम कर दिया था मैंने तो दिख नहीं रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड ले रहे हैं पानी, ये देखिए पानी चालू हो गया, वो ले रहे हैं। लेके आएंगे तब हम लोग फिर जल चढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने एक ही डुल्लू पानी लेकर के आई थी और वो पानी ख़त्म हो गया। बच्चे भी चढ़ा रहे थे, मैं भी चढ़ा रही थी, तो पानी जो है वो ख़त्म हो गया था। सब लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए, तो मैं अभी आ गए हस्बैंड, मैं डी बाबा की पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी हम डी बाबा का और जो शनिदेव हैं उनका पूजा कर लेंगे। और यहाँ इतनी हरियाली थी, हवा इतना अच्छा था कि यहाँ ना कूलर का, पंखा का, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं था। बिल्कुल गर्मी नहीं हो रहा था, गर्मी तो वैसे धूप निकली थी, गर्मी काफ़ी था, पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। हस्बैंड भी बोल रहे थे रुको थोड़ी देर, बैठते हैं फिर चलते हैं। बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे, वो खेल रहे थे। हम कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ बहुत शांति होती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने रुपेश से भी डी बाबा का पूजा करवा लिया। जब हम घर पर आ गए थे तो रुपेश और छवि तुरंत पानी लेकर आए, वो बिल्कुल थके ही नहीं थे, बोल रहे थे कि आप लोग पहले बैठिए पानी पी लीजिए फिर कुछ करिए, मम्मी आप किचन में क्यों जा रही हैं पहले, और आप बैठिए पानी पी के किचन में जाइएगा। और मैं झट से किचन में आ जाती हूँ और जल्दी जल्दी मैंने कढ़ाई गरम किया, उसमें तेल डाला, तेल जब गरम हो गया तो मैंने प्याज डाल दिया और मैंने हरी मिर्च काट लिया उसमें। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी और मैं आई और फिर फटाफट काट के मैं तुरंत मैं मैगी बना रही हूँ अभी। और ये मैं स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल दूँगी और मैगी मसाला डालूंगी, और कोई एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं, सिंपल सा बना रही हूँ। क्योंकि बच्चे कुछ भी खा के नहीं गए थे और वहाँ से आए तो 11 बज गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना के उन्हें नाश्ता करा दूंगी, फिर मैं रिलैक्स होकर लंच की तैयारी कर लूंगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, टमाटर जो है वो गल गया है, मैंने इसमें मैगी डाल दिया है और ये मैं मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से इसे मिक्स करके मैं ढककर रख दूंगी, 5 मिनट सिर्फ मैं छोड़ दूंगी, ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। दूसरी साइड मैंने दाल चढ़ा लिया है और दाल में मैं सिंपल वही नमक हल्दी डाल के सीटी लगा दूंगी। और अभी इधर जो है मैगी भी तैयार हो गई है, मैं मैगी को एक बार खोल के देख लेती हूँ कि वो पक गई है या नहीं, थोड़ी देर और मैं रखूँगी। और मैगी बन के रेडी हो गई, अब पहला निवाला आप खा लीजिए। और बहुत टेस्टी मैगी लग रही थी, भूख लगी थी तो कुछ भी अच्छा लगेगा, पर वाकई में फ्रेंड्स से टेस्टी बनी थी। और ये आप खा लीजिए, और फिर मैं जल्दी जल्दी निकाल देती हूँ, बच्चों को भी दे दिया मैंने और मैं खुद भी खा ली। फिर मैं किचन में आ गई, दाल बन गया था। और ये मैं आज अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, अरवी को मैंने उबाल लिया था, 3 सीटी मैंने दिलाया था, जब अरवी उबल गई तो मैंने इसे छील कर इसे गोल गोल कट कर लिया। आप देख सकते हैं तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाला, मेथी जब अच्छी तरीके से भुन गई फिर मैंने इसमें अरवी डाल दिया है। और अब मैं अरवी को, सिर्फ अरवी मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसे लाल होने तक मैं भून लूँगी। जब ये लाल हो जाएगा तब मैंने इसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कुटा हुआ डाल दिया था। फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार, जितना भी आप जैसा लेते हैं नमक, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और हल्दी डाल दूँगी, अच्छे से इसे भून लूँगी और अरवी तैयार हो जाएगी। अरवी वाकई में इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी बनी थी अरवी, और वाकई में बहुत अच्छी लगती है दाल चावल के साथ, आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने खाना बना लिया है, खाना सारा बन गया है लंच, अब बस दूध खोलना बाकी रह गया है, बाकी सब काम मैंने कर लिए हैं। और अब थोड़ा दूध खोल जाएगा फिर मैं सभी को लंच करा दूँगी, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत ही लग गई थी किचन में, आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि जल्दी से नाश्ता कुछ बना देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने पीला सिंदूर लगाया है तो मैंने सोचा कि मैं अब
आते ही पहले मैंने मैगी जल्दी से बना ली और बच्चों को नाश्ता दे दिया कि बच्चे नाश्ता कर लेंगे, फिर लंच बनाऊंगी। अब वो नाश्ता भी कर लिए हैं, मेरा लंच भी तैयार हो गया है। और अभी ये देखिए डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन जो है वो बिगड़ गई है। ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सीधा मांग करके और ये वाला डिज़ाइन ऐसे करके। पर कल मैं बाल धुली थी ना, तेल नहीं लगाई हूँ इसलिए ये बिगड़ गया है। ये देखिए कितना भी डिज़ाइन बना लीजिए गर्मी में इधर उधर होने से बिगड़ जाता है। और मैंने सब कुछ कर लिया। छवि छवि तो छत पे खेल रही है डॉल के साथ और ये दोनों लोग टीवी देख रहे हैं। और मैंने सोचा मैं आप लोग से बातें कर लेती हूँ। और आज सावन का पहला सोमवार था तो हम तैयार होके, मैं रुपेश छवि, हम सभी ने ग्रीन ग्रीन देखी। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी ये वाली पहनी थी और छवि को मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहनाया था। रुपेश का ग्रीन नहीं था पर उसको ग्रीन कह सकते हैं, वो भी ग्रीन ही पहना था। और हम सब जा रहे थे तो यहाँ कॉलोनी के एक हैं वो बोल रहे थे कि क्या बात है आज आप सब लोग तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। और सावन का महीना ऐसा होता है कि अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन पहना, चारों तरफ हरियाली होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चूड़ी का ये सेट बनाया था, ये देखिए। पर ये वाली जो चूड़ी है ना, ये किसी ने मुझे गिफ्ट कर दी थी, ये वाली देख सकते हैं, ये देखिए। और इसमें से जो सारी स्पार्कल है वो सब निकल रही है, देखिए चमक रहा है। ये देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का ये पूरा जो है निकल के पूरी साड़ी पूरे हाथ फेस पे भी लगा हुआ है और पूरा ये सर। तो चलिए अच्छी लग रही है, साड़ी के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। तो मैंने ये वाला मंगलसूत्र पहन लिया था, ये छोटा वाला जो मैं डेली कैरी करती हूँ वो वाला है। आज मंदिर गई थी तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला पहन लूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस पूजा की। बाहर से मैंने कोई नाश्ता नहीं लिया क्योंकि इस समय बाहर का तो कुछ खाना भी नहीं है, तो सिर्फ मैंने मैगी ले लिया कि चलिए अभी तुरंत मैगी बना के बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। कोई नाश्ता कुछ भी कोई नहीं किया था, जाने वाले थे तो जाने वाले हम थे और बच्चों को लेके मैं ही जाती, और ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। लेकिन फिर ये बोलने लगे कि ठीक है मैं भी चल चलता हूँ, और पैदल जाओगी तुम तो रुपेश जो है साइकिल से आ जाएगा और हम लोग बाइक से आ जाएंगे। तो ये उठ भी गए थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है जल्दी से नहा लीजिए मैं भी चल चलती हूँ, इसलिए आज लेट हो गया नाश्ता करने में। वरना नाश्ता बच्चों को मैं 10 बजे तक करा देती हूँ और जो लंच है वो 12:30-1 बजे तक। और अभी मैं 11:30 बजे किचन में गई थी और 12:30 बजे तक मैंने सब कुछ बना लिया। रोटी जो मैं नहाने से पहले ही बना लेती हूँ तो मैं उसे पहले ही बना ली थी, और बाकी सब कुछ बना ली हूँ। चावल वावल सब बन गया है, दूध खोल जाएगा तो उसे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा? और अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। और अब मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। सबको मैं लंच करा दूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा आगे का, अगर मैं इसमें रिकॉर्ड करूँगी तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसलिए ब्लॉग को यहीं समाप्त कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।